विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले सभी अभिभावकों एवं अध्यापकगण ध्यान दें कि अब जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन आपके 16 दिसंबर से लगभग मिलने लगेंगे। अब इसमें कुछ नई अपडेट्स आई हैं, उन अपडेट्स को आप लोग अभी तैयारी करना शुरू कर दें जिससे आपका फॉर्म जो है समय भरा जा सके और सासमय पहुंच सके। इसके लिए अब आपको जो ऑफलाइन फॉर्म भरना है इसके लिए आपको चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे अहम, सबसे पहला कि अब आपको बच्चे का आधार कार्ड लगाना अनिवार्य, हालांकि आपने पहले भी लगाया था। दूसरी जो हमारे पास अपडेट वो है कि बच्चे का अब आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा और ये जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी अब आपको संलग्न करनी होगी। तीसरा जो है वो है अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, यानी जो आपका राजस्व विभाग से बनना है वो अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र भी आपको पहले ही बनवा के रखना है और वो आपको फॉर्म के साथ संलग्न करना है। दूसरी चीज़ ये लोग देखना चाहते हैं कि बच्चा जो है वो उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता है या फिर बाहर से, इसलिए सभी अभिभावकों को सलाह दी जाती वो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। जब उनका निवास प्रमाण पत्र बना होगा तभी आप बच्चे का निवास प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। जितने भी जन सुविधा केंद्र हैं उनमें आप जैसे आय प्रमाण पत्र वो भी आप बनवा सकते हैं, जिनका नहीं बना है अभी से आप आवेदन कर देंगे तो आपको जल्द से जल्द ये। दूसरा, अगर आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है तो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाएं और उसके बाद जो है वो बच्चे का निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा, या फिर आप जन सुविधा केंद्र पर जा कर के पता कर लें कि बच्चे का निवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, उसके साथ साथ आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगेंगे जिससे आप समय ये तैयारी कर सके। परीक्षा आपको पहले भी बता चुका हूँ, यूपी चुनाव के बाद ही परीक्षाएं संभव होंगी, या फिर अगर चुनाव कभी टलता है तो फिर उसके लिए परीक्षाएं पहले भी ली जा सकती हैं। दूसरा, अब प्रश्न जो है वो पुराने पैटर्न से ही आएगा, यानी उसमें 100 या 80 प्रश्न रहेंगे, ज़्यादातर आपके 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। अब उनमें क्या क्या आएगा, अब 3 से 4 बहुत एक हफ्ते का आप करिए इंतज़ार, इसके बाद सारा अपडेट आपको आपकी मोबाइल पर ही मिल जाएगा जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये जो 4 चीज़ें मुझे आज पता चली वो हमने आप तक शेयर कर दिया। आप इन 4 चीज़ों को आप सुरक्षित रखें और जैसे ही फॉर्म आए जल्द से जल्द लेकर के आप इन्हें जमा कर दें। और आप अब ये मान सकते हैं कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भराए गए थे वो आप उन्हें निरस्त ही समझें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।